माय चैनल कुक बुक बाय सुधा। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है वेज ट्रिपल शेजवान राइस नूडल्स। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही यम्मी है, और ये थोड़ी सी चटपटी भी है। आज की जो रेसिपी है वो हमने तीन पार्ट्स में बनाई है। पहले पार्ट में हम इसके मंचूरियन बनाएंगे, दूसरे पार्ट में इसकी ग्रेवी बनेगी, और तीसरे में हम बनाएंगे राइस एंड नूडल्स। मैं आपको आज की अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने जो लिया है वो मैंने लिया है कैरेट है, कैबेज है और थोड़ी बीन्स है। इसको कैरेट को मैंने और बीन्स को थोड़ा काट लिया है। जो कैबेज है इसको मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है। इसके साथ मैंने थोड़े से राइस हैं उनको बॉईल करके रखा है, क्योंकि हमारे पास अरारोट है और थोड़े मेरे पास है नूडल्स जिनको मैंने पार बॉईल करके रखा है। साथ ही है मेरे पास ये कोरिएंडर जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और ये मेरे पास जिंजर और जो मैं ग्रीन चिली है इसको मैंने थोड़ा कूट के अच्छे से रख लिया है। साथ ही मेरे पास गार्लिक जिसको मैंने चॉप किया है, और ये हमारे पास है कॉर्न्स जो कि हमारे इसके साथ मिक्स करने में काम आएंगे। इसके साथ ही मैंने लिया है ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये सॉल्ट है, थोड़ी शुगर है, और ये हमारे पास सोया सॉस, और ये हमारे पास रेड चिली सॉस। साथ ही फ्रेंड्स, मैंने जो मेरी आज की मेन है वो है ये शेजवान सॉस। शेजवान सॉस के लिए मैं आपको बताऊं कि मैं आपको पहले भी ये इसको बनाना बता चुकी हूँ, और मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी अगली दो तीन रेसिपीज़ में शेजवान सॉस की रेसिपीज लाऊंगी। आइए पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मंचूरियन बॉल्स के लिए अपना मटेरियल तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ये मैं दो ये टेबलस्पून अच्छे से भर के मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है, थोड़ा सॉल्ट डाला है 1/4 टीस्पून, इतना ही मैंने इसके अंदर ये ब्लैक पेपर डाली है। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा हमको ऑयल भी मिक्स करना पड़ेगा। और क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हम ये अपना ग्रीन कोरिएंडर जो हमने काट के रखा है ये डालेंगे, थोड़ा ये मेरे पास ग्रीन चिल्ली और ये जिंजर पेस्ट है ये डाल देंगे, और ये हमारे पास जो हमने कॉर्न लिख के रखा है ये भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। थोड़ा हम डालेंगे सोया सॉस टेस्ट के लिए, थोड़ा चिल्ली सॉस, और अब क्या करेंगे इन सबको हम मिक्स कर देंगे। मटेरियल तैयार हो गया है, अब हम इसके छोटे छोटे इस तरीके से बोल बना के रख लेते हैं। हमारे बॉल्स तैयार हैं, अब हम क्या करते हैं पहले इनको फ्राई कर लेते हैं। अब हमने तेल गरम कर लिया है अपना, और हम इसमें तेल डाल के इनको फ्राई कर लेते हैं। इसको मीडियम हीट पर ही करना है पहले, बाद में जब ये काफ़ी अच्छे फ्राई होने लगेंगे तब बस आधे मिनट के लिए इनको थोड़ा सा हाई हीट पे फ्राई करना है। अब हमारे मंचूरियन बॉल ये बनकर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपनी मंचूरियन ग्रेवी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऑयल डाला है और इसको हमने गर्म कर लिया है, और इसमें हम डालेंगे अपनी शेजवान सॉस। थोड़ा इसको ज़्यादा डालेंगे तभी इसमें टेस्ट आएगा। मैं इसके अंदर ये 3 टेबल स्पून सॉस डाल रही हूँ। अब इसके अंदर थोड़ी वेजिटेबल्स डाल देंगे, और
थोड़ा फ्रेंड्स सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हर चीज़ में डल रहा है इसमें थोड़ा ही डालेंगे। ये मैंने हाफ स्पून से भी कम डाला है और इतनी ही मेरी डलेगी ये ब्लैक पेपर। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शुगर, क्योंकि थोड़ी मिर्च इसमें होती है ज़्यादा, इस वजह से थोड़ी सी शुगर डालनी पड़ती है। ये सोया सॉस, इसको डाल के थोड़ा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ये गार्लिक पेस्ट बनाया है, जिंजर गार्लिक के पेस्ट बनाया है, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ग्रीन चिल्ली भी डाल दी। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये मैंने कॉर्नफ्लोर से थोड़ा ये सलेरी बनाई है, ये टू ये स्पून लेकर मैंने इसमें डाला है, और बाकी थोड़ा पानी मिक्स किया है। थोड़ी इसकी थिकनेस के लिए इसको मैंने इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है, मैं पानी और डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे मंचूरियन बॉल आएंगे, वो भी थोड़ा सा पानी सोख लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, अब हमारा रह गया ये रेड चिल्ली सॉस, हम ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। इसको एक बॉयल लेके मैं इसके अंदर मंचूरियन अपने डाल दूँगी। फ्रेंड्स अब हम अपने राइस कुक करने की तैयारी कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने फिर जो मेरी ये रेस्ट ऑफ दी वेजिटेबल्स थी ये सारी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अगेन मैं इसके अंदर थोड़ी शेजवान सॉस डालूंगी। थोड़ी रेड चिली सॉस, थोड़ा सोया सॉस, थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा, और इस तरीके से थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि मिर्च ऑलरेडी बहुत डली हुई है इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे हम इसको। अब हम इसमें थोड़ा जो मेरे पास धनिया है, अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन उस टाइम हो तो आप ज़रूर डालिए, वो इसके टेस्ट को बढ़ाएंगे और ये बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इसमें एक ग्रीन कोरिएंडर डाला है। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब सब कुछ तैयार है। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम डालेंगे अपने राइस, राइस के बाद जो हमारे पास नूडल्स है। फ्रेंड्स अब हमारे वेस्ट ट्रिपल शेजवान राइस नूडल्स बिल्कुल तैयार हैं, ये रेडी टू सर्व हैं। अब आप एक बार हमारे तरीके से अपने घर पर बनाइए, खिलाइए, सबको सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, और पूरी वीडियो देखकर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूड कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और हमारे फेसबुक पर भी रेसिपीज़ को आप हमारे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब तक हम नेक्स्ट रेसिपी लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।